हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास मॉडल टेस्ट पेपर है, तो इसके अंदर अनसोल्ड पेपर है 5 से 10 आपके, और कुछ हैं आपके सोल्ड पेपर्स। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास 10 डेज में सोल्ड और अनसोल्ड जितने भी पेपर्स हैं आपके, तो उसके सारे सॉल्यूशंस करवाए जाएँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। अभी तो आपके पास हमने सिलेबस को लास्ट 12th का ऑलमोस्ट करवा रखा है, 1-2 यूनिट ही रहती होंगी, तो उसको भी हम ट्राई करने वाले हैं कि जल्दी करवा देंगे। उसके साथ में ही हम इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने रिवीजन कर लिया किसी स्टूडेंट्स, तो बाद में प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तभी पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हो, कौन से चैप्टर से आपको वीक पोर्शंस लग रहा है, ठीक है, तो वही हम बताएंगे। तो आज हम हमारा फर्स्ट देखते हैं पेपर्स जो दे रखा है, सीरीज वाइज कंटिन्यू रखेंगे, सारे पेपर्स का सॉल्यूशंस हम यहाँ पे करवा देंगे। तो यहाँ पे जो वैसे हैं एमसीक्यू टाइप जो सीधे बताने वाले, वो वैसे करवा देंगे, बाद में जो डेरिवेशंस वाले होंगे या कुछ ट्रिकी होंगे, वो हम बोर्ड की हेल्प से आपको समझा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, ठीक है, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, और नोटिफिकेशन पहले अपना, ताकि आपको पता चल जाए जब भी हम वीडियोस डालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट जो पेपर्स दे रखा है आपका, ये तो आपको सभी को पता है कि 70 मार्क्स का पेपर रहता है आपका केमिस्ट्री का, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन 18 MCQ रहते हैं, और जैसे 4 एसरेशन रीजन मिलेंगे 1-1 मार्क्स के, क्लास 12th जो हरियाणा बोर्ड से हैं उनके भी, और 2 केस स्टडी मिलते हैं आपको। तो वैसे हमने आइसोलेशन रीजन की 3 से 4 चैप्टर्स के तो ऑलरेडी भी आपको करवा रखी हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और अब हम स्टार्ट, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि मोनोस्क्राइड्स कंटेन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स आपका कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर से। कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि मोनोस्क्राइड्स क्या होते हैं, डाइस्क्राइड्स क्या होते हैं, ट्राई क्या है, मोनोस्क्राइड्स में कितने कार्बन आइटम तक हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रेक्टोज दोनों ही मोनोस्क्राइड्स थे, लाइक सुक्रोज है, लैक्टोज है, वो डाइस्क्राइड्स थे, जब हाइड्रोलाइज करते हो तो 2 मॉलिक्यूल्स में दे सकते हो, वो डाई 3 में दे सकते हो, वो ट्राई 4 में दे सकते हैं, तो टेट्रा इस टाइप से। तो मोनोस्क्राइड्स में कंटेंट, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, आलवेज 6 कार्बन आइटम, 5 कार्बन आइटम, 3 to 7 और 4 कार्बन आइटम। तो हमने देखा था वहाँ पे कि 3 से लेकर 7 कार्बन आइटम के बीच में अगर लाई कर रहे हैं तो वो मोनोस्क्राइड्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से सिंपल जो टेबल्स थी वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका द नॉर्मलिटी ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज। अब आपके पास क्या पूछा हुआ है कि नॉर्मलिटी पूछी है एसिटिक एसिड की, और कितना सॉल्यूशन है 10% है वेट बाय वॉल्यूम। तो सिंपल स्टूडेंट्स आपको बताया कि नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट के नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला होते थे कि गिवन वेट कितना है, गिवन वेट गिवन मास देखते थे, फिर इक्विवेलेंट वेट, फिर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर से। तो वहाँ से आपको वेट बाय वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है एसिटिक एसिड का, तो आप यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, नॉर्मलिटी निकलेगी आसानी से। तो अगर आपसे सोल्व हो जाते हैं इसके ऑप्शन बता देते हैं, 1 नॉर्मलिटी, 10 नॉर्मलिटी, 1.66 और 0.83। तो न्यूमेरिकल के लिए हम सेपरेट आपको बोर्ड पर अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे आएगा 1.66 नॉर्मलिटी। अगर आपसे नहीं होता है तो हम न्यूमेरिकल के एक अलग वीडियोस ले लेंगे, जितने भी आपके हम मॉडल टेस्ट पेपर आपको सोल्व कराएंगे उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसकी सेपरेट वीडियोस हो जाएगी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है द टर्म कंडक्टिविटी मीन्स। जैसे आपने कंडक्टेंस वाले चैप्टर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि बताइए कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो सिंपल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस इनवर्सली रेजिस्टेंस के आर इज इक्वल टू रोल बाय ए वाले से फार्मूले से आप निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस उसका उल्टा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बढ़ेगी घटेगी या कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें जनरल थिंग्स पता है स्टूडेंट्स, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाती है। और अगर आपने 2 रिएक्शन कर रहे हो, एक 10 डिग्री पे एक 20 पे है, तो जब उनका रेशियो लोगे रेट कॉन्स्टेंट का वो डबल मिलता है, उसी वाली चीज़ को आप क्या बोलते थे, टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज ए मोनोस्क्राइड्स। इसमें पूछा हुआ है स्टूडेंट्स आपका कि 4 ऑप्शंस दे रखी हैं कि कौन मोनोस्क्राइड्स है। तो एक ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स सुक्रोज, एक दे रखा है माल्टोज, एक स्टार्च, एक फ्रैक्टोज। तो हमें सिंपली पता है मोनोस्क्राइड्स क्या, जो सिंपल वाट में आप डालोगे हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल में डिसोसिएट नहीं होंगे, ग्लूकोज फ्रैक्टोज दोनों ही मोनोस्क्राइड्स थे। सुक्रोज दे रखा है स्टूडेंट, सुक्रोज तो हमें पता था 2 यूनिट से था, वो तो एक डाइस्क्राइड्स था, किससे बनता था सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। थर्ड वन क्या था स्टूडेंट्स माल्टोज, माल्टोज में किससे बनता था आपके ग्लूकोज वाली यूनिट से। स्टार्च में ऐसे ग्लूकोज के देखते थे, जैसे उसमें बीटा डी ग्लूकोज हो जाता है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च के फिर 2 टाइप्स भी थे, माइलोज और माइलोपेक्टिन। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, द आयुपक नेम ऑफ एनिलीन इज, कि एनिलीन का आयुपक नेम क्या होगा. तो एनिलीन होता क्या है स्टूडेंट्स, बेंजीन पे एनएच टू ग्रुप. तो उसका अगर वैसे हम आयुपक में टर्म देखें तो एनिलीन मतलब बेंजीन पूरा मान लो एनएच टू ग्रुप अमीन होता है तो उसका नाम क्या आ जाएगा, बेंजीन अमीन. तो चार ऑप्शन है, वहां से आपका आंसर बन जाएगा बेंजीन अमीन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रखा था शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO4. ये हमने बहुत बार करवा रखा है चैनल पे, जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वीडियोस देखोगे NiCO4 तो वो क्या होता है, निकल टेट्रा कार्बन. जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे CO न्यूट्रल लिगेंड है तो वो टेट्राहेड्रल निकलेगी, तो वहीं पूछा हुआ है आपसे. नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट हो जाती है आपकी ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक में तो रिएक्शंस होती है, आपको याद रखना पड़ता है, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है आपके पास. तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर कॉपर 573 केल्विन के ऊपर आप हीट करते हो तो क्या होता है, मेन प्रोडक्ट पूछ रखा है स्टूडेंट. तो अल्कोहल वाले में रिएक्शंस देखा था कि अगर प्राइमरी अल्कोहल को आप कॉपर इतने रिएक्शंस पे हीटिंग करते हो तो आपका एल्डिहाइड बन जाता है, तो वहां से आप कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बेयर्स रिएजेंट्स क्या है, ये हमने पहले भी बताया था. बेयर्स रिएजेंट जो KMnO4 होता है उसका बेसिक सॉल्यूशन बोला जाता है, दैट मींस KMnO4 में अगर आप बेस KOH मिला देते हो तो वो बेयर्स रिएजेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल अंडरगो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मोस्ट रेडली. इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन से अल्कोहल हैं जो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमें एल्कीन में देंगे आपके पास. तो प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है स्टूडेंट्स, कीटोन दे रखा है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है टर्शियरी अल्कोहल. तो ये एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन जो एल्कीन की हम पढ़ते हैं वो टर्शियरी अल्कोहल से देता है आपका, तो टर्शियरी अल्कोहल इसका आंसर बन जाएगा, सेकेंडरी वाले नहीं देते आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स बेंजीन है C6H6, तो सबसे पहले स्टेप्स में तो HNO3H2SO4 डाल रखा है, दैट मीन नाइट्रेशन करवा रखी है, बेंजीन पे NO2 लग जाएगा. सेकेंड में A बन गया आपका, NO2 में अगर आप SNHCl डालोगे तो आपको पता है स्टूडेंट्स इनका यूज किया जाता है एज ए रिडक्शन वाले में, तो SNHCl क्या करता है आपका NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में, ठीक है. तो क्या बेंजीन पे अगर NH2 तो क्या नाम बोलते हैं उसको, एनिलीन. तो उसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका NH2. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछा गया है कि विच रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल फ्रॉम प्रोपेन वनोल. अब यहाँ पे पूछा गया कि एक तो इथेनॉल है आपके पास और एक दूसरा है प्रोपेन वनोल, तीन कार्बन की चेन है और वनोल लगा हुआ है. तो चार ऑप्शन दे रखे स्टूडेंट्स, बताइए टोलियोस रिएजेंट से कर सकते हो नहीं कर सकते. टोलियोस रिएजेंट दोनों एल्डिहाइड के लिए होता है तो दोनों ही आपके अल्कोहल है तो ये टेस्ट दे देगा आपका, ठीक है. लुकास रिएजेंट टेस्ट होता है ZnCl2 वाले से भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. स्किफ रिएजेंट होता है बेस वाला, I2 एंड NiOH वाला, हाँ ये हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपका ये आइडोफोम वाला टेस्ट होता है I2 एक्वस NiOH को हम बोला जाता है इसमें, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको कार्बोनियल, अब जब आप ये स्ट्रक्चर्स बनाओगे प्रोपेन वनोल में तो CH2 CO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से CH2 ग्रुप है तो आपका मन जाता है. प्रोपेन वनोल में तो हो जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे CH3CH2OH, तो जहाँ जिस कार्बन से आपका लगा है जैसे ओच लगा उस अल्फा कार्बन नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हो, बीटा बोलते हो. तो इथेनॉल में तो नेक्स्ट वाला CH3 है लेकिन प्रोपेनॉल में नेक्स्ट वाला क्या आपका CH2 है, तो ये दे देगा आपका टेस्ट. तो यहाँ से आपके टेस्ट अच्छे से कर लेने हैं आपको. नेक्स्ट पूछा गया स्टूडेंट्स प्रोपेन अमाइड व्हेन हीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड कॉस्टिक अल्कली विल गिव. ये कहा इन्होंने कि प्रोपेन अमाइड है, दैट मींस अमाइड है, उसमें आपने ब्रोमीन डाल दिया, बेस डाल दिया, ठीक है. क्या डाल दिया आपने, RCONH2 मतलब अमाइड था, Br2 वाली रिएक्शन और बेस डाल दिया, तो अब ये रिएक्शन क्या करते थे हम यहाँ से अमाइड से अमीन बनाते थे, तो यहाँ पे इथाइल अमीन बन जाएगा प्रोपेन अमाइड वाली रिएक्शन से. नेक्स्ट पूछा गया स्टूडेंट्स आपका द सब्सटेंस बी विंडीजोल इन सॉल्वेंट ए शोज मोलिकुलर मास कोरस्पॉन्डिंग टू से कहते हैं B3 द फोंटो फैक्टर. अब इन्होंने B3 दे दिया, फोंटो फैक्टर में होता था टोटल नंबर पार्टिकल कितने, वो डिसोशिएट कितने हो रहे, B3 है तो दैट मीन्स 3 हो सकते हैं, तो 1/3 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके चार क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब तक हमने 14 MCQ कर लिए हैं. नेक्स्ट जो चार क्वेश्चन होते हैं आपके वो होते हैं AR क्वेश्चन, मतलब एसरेशन रीजन क्वेश्चन होते हैं बोला जाता है उनको. तो पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रखा है 15 का, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, कि NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में हमने कंपाउंड्स देखे थे, सॉल्यूशन गिव्स Cl2 एट एनोड, कि वो एनोड पे हमें क्या मिलता है, Cl2 मिलता है एट एनोड इंस्टेड ऑफ O2. ये हमने देखा था स्टूडेंट जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, Na प्लस मिल रहा था, Cl प्लस मिल रहा था, Cl माइनस, ऐसे ही वाटर में करोगे तो H प्लस और OH नेगेटिव वाले थे. तो हमने ये देखा था कि जब NaCl का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो हमें Cl2 एनोड भी मिल रही थी इंस्टेड ऑफ O2, O2 नहीं मिल रही थी. इन्होंने ये बोला है और रीजन बोला है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर ओर वोल्टेज. ये हमने करवाया था पहले भी. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स जैसे आपके पास NaCl का आयन है वो प्लस माइनस में टूट गया, Na प्लस हो गया Cl माइनस,
वैसे अगर आप पानी का देखोगे तो वहाँ पे H2O2 दो थिंग्स है। फिर क्या होता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस, मान लो दो आपके प्लस प्लस हो गए दो माइनस, अब जाना किसी एक को ही है, तो जब हम क्या देखते हैं निशिल का जब एक्सपेरिमेंट देखा गया तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि एनोड वाले पे Cl2 गैस चली गई है। एनोड वाले की बात हो रही है, यहाँ पे O2 नहीं जाती, क्योंकि O2 के लिए अगर आपको वहाँ पे भेजना है तो बहुत ज़्यादा हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है और वोल्टेज की, और इतनी हो नहीं पाती वहाँ पे मेंटेन, तो इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाती, Cl2 जाती है। तो दैट मीन्स दोनों ही बात ठीक है, और ओवर वोल्टेज लेने की वजह से वो हमें नहीं मिलती। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है कि एसरेशन रीजन दोनों ही ठीक है और वहीं उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 16 का क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपका। ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इन्होंने कहा है कि जितने भी कोलिजन्स होती हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में लेड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कि आपके कोलिजन हुए वो सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं क्या, ये थिंग्स बोली। और रीजन बोला इन्होंने, मॉलिक्यूल्स हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी कैन फॉर्म प्रोडक्ट। इन्होंने कहा है कि मॉलिक्यूल जिनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है सफिशिएंट, वही प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ऊपर वाली बात गलत है। कैसे, जब हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स समझाई थी, कोलिजन थ्योरी के एक्सपेरिमेंट हमने किए थे, तो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोई रिएक्शन ले रहे हो आप A+B, आप C+D बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट में अगर 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो 100 के 100 प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। ओनली प्रोडक्ट उसी का बनता है जो परफेक्ट ओरिएंटेशन से कोलिजन जहाँ पे इफेक्टिवली हो रहा है वहीं प्रोडक्ट बन पाता है। तो ऐसा नहीं इन्होंने बोला कि रिएक्टेंट में जितने आप ले रहे हो उनसे सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे क्या, ऐसा नहीं होता। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट गलत है, रीजन आपका ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, आइसोलेशन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। कई बार तो आपको स्टेटमेंट ही ठीक नहीं मिलेंगे तो आपको ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब स्टेटमेंट ठीक मिलता है तब सोचना पड़ता है, रिलेटेबल है तो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन जाती है, अगर बिल्कुल अलग कंसेप्ट को बता रहे दोनों थिंग्स तो वो नहीं होती। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 17 का क्वेश्चन आया हुआ आपका डी एंड एफ ब्लॉक से। तो पूछा हुआ आपसे, लेंथेनाइट शोज ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज एक्टिनाइट शो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन्होंने क्या बोला स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा था कि लेंथेनाइट एक्टिनाइट दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, तो इन्होंने बोला है कि लेंथेनाइट एक लिमिटेड, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में बात करें तो एक्टिनाइट ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं, ज़्यादा नंबर तक, लेंथेनाइट एक लिमिटेड तक मिलते थे। उनका रीज़न भी होता था क्योंकि एनर्जी डिफरेंस वहाँ पे ज़्यादा हो जाता था, 4 or 5 D6 उनका चेक कर रहे थे, एक्टिनाइट में कम होता है। तो आपको बता, जितना एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक ऑक्सीडेशन ईजिली कर सकते हैं मॉलिक्यूल, तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होगी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। रीजन इन्होंने बोला कि एनर्जी गैप बिटवीन द 4F 5D 6S सब सेल इज स्मॉल वेयर एज दैट बिटवीन 5F, इन्होंने रीजन उल्टा बोल दिया, इन्होंने बोला कि 4F 5S जो लेंथेनाइट वाले में एनर्जी गैप कम है और इसलिए वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, बट रीजन उल्टा है, एनर्जी गैप ज़्यादा है इसलिए वो इतने ट्रांजिशन नहीं हो पाती, ज़्यादा गैप हो जाता है, तो इन्होंने इन्वर्स बोल दिया। तो दैट मीन्स ऐसे रिएक्शन ठीक है, रीजन गलत है। और स्टूडेंट्स अगर आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है तो आप कमेंट कर देना, हम कम्युनिटी में या टेलीग्राम के ऊपर इनकी PDF सेंड कर देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा 18 का, एसरेशन रीजन। तो एसरेशन बोल रखा है स्टूडेंट्स, कपलिंग रिएक्शन बिटवीन डाइजोनियम साल्ट एंड फिनोल और एरोमेटिक अमीन गिव्स एजोडाइन्स। तो इन्होंने क्या बोला कि जो कपलिंग रिएक्शन आप करते हो बिटवीन डाइजोनियम साल्ट के एंड फिनोल के और एरोमेटिक, हमें डाइजोन, जैसे आपने क्या लिया कि डाइजोनियम साल्ट लिया बेंजीन पे NH2Cl बना हुआ है, फिनोल ले रहे हो तो अच्छी बाहर हो जाता था, वो रिंग जुड़ जाते थे, एक डाइज बना लेते थे। तो नेक्स्ट बोला इन्होंने, कंपाउंड्स कंटेनिंग N2 ग्रुप आर कॉल्ड एजो कंपाउंड। हाँ, ये ठीक बात है कि जो N2 ग्रुप होता है उसको एजो वर्ड बोल दिया जाता है, तो रीजन तो ठीक है, लेकिन ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बताया कि वो एजो डाइजेस्ट होता है, तो क्या सारे N2 ग्रुप होंगे वो रिएक्शन कर रखे होंगे तो हमेशा कपलिंग दे देंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट दोनों ठीक है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं डिफाइन कर रही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि एसरेशन रीजन दोनों ठीक है बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारे पास स्टूडेंट का है, इसमें हमने फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के 18 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट एक बार हम थ्योरेटिकल बता देते हैं आपको, सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है आपको, वो वाले थिंग्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ने एक पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अमीन, मतलब आपको अमीन बनाना है फ्रॉम नाइट्रो इथेन, दैट मीन्स आपको इथेन दो कार्बन है, NO2 ग्रुप लगाए और NH2 में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा आपको माइंड में एक थिंग्स पता होना चाहिए, NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करना है तो आप रिडक्शन कीजिए उसका, मेटल लीजिए एसिड के प्रेजेंस में तो आपका NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स मिथाइल साइनाइड से, मिथाइल साइनाइड में भी ऐसे ही होता है, चाहिए आपको नाइट्रो ग्रुप हो चाहिए आपका साइनाइड हो, तो उसमें अगर आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया लाइक बैटरी रिड्यूसिंग LiH4 की बात करें तो वो साइनाइड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा अमीन में। दो मार्क्स की थी ऑर्गेनिक से थे रिएक्शन वाले से।
नेक्स्ट पूछा स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन डाइजोडाइजेशन. तो डाइजोडाइजेशन तो सबको पता होगा, डाइजोनियम क्लोराइड जैसे हम साल्ट बनाते हैं तो सबसे पहले सोडियम नाइट्रस लिया जाता है, NaNO2 में एसिड डालते हो तो HNO2HCl हो जाता है बाहर. फिर क्या होता है स्टूडेंट्स जब एनिलीन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप डालते हो टेम्परेचर जैसे 273 से 278 करते हो तो वहाँ पे डाइजोनियम साल्ट बन जाता है. अगर आप सीएल ले रहे हो तो डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा. बस दो ही स्टेप्स की रिएक्शन होती है, ईजी है, बोर्ड्स में बहुत बार आती है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा हो आपसे बाल-साइमन रिएक्शन. तो बाल-साइमन सुनते ही आपके माइंड में एक थिंग्स आनी चाहिए कि आपको यहाँ से फ्लोरोबेंजीन बनानी है. तो N2BF4 था पहला स्टेप्स मान लो आपको, उसमें जो एनिलीन था आपका या एनिलीन से स्टार्ट कर सकते हो डाइजोनियम क्लोराइड से. डाइजोनियम क्लोराइड आपने लिया, जब आप उसमें HBF4 डालते हैं तो वहाँ से अच्छे बाहर हो जाएगा, N2BF4 लग जाता है. जब हीट करते हैं स्टूडेंट तो N2 गैस बाहर हो जाती है, BF3 अलग हो जाएगा और F लग जाएगा. तो इसी रिएक्शन का स्पेशल नाम होता है बाल-साइमन रिएक्शन. ऐसे अगर क्लोरोबेंजीन बनानी हो आपको तो सैंडमेयर और गटरमैन ले सकते हो आप रिएक्शन, ठीक है. ऐसे ही आपको अगर आयोडो वाली करनी है तो फिंगरस्ट्रिंग लेते हो. नेक्स्ट पूछा हुआ है स्टूडेंट्स की व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट पूछा हुआ है सुक्रोज और लैक्टोज का, कि अगर सुक्रोज में आपने पानी डाल दिया हाइड्रोलाइज कर दिया. तो अभी हमने बताया था MCQ में बता रहे थे आपको सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हो तो ग्लूकोज और फ्रेक्टोज दो कंपाउंड्स मिलते हैं. नेक्स्ट पूछा हुआ स्टूडेंट्स आपसे लैक्टोज कि अगर आप लैक्टोज में पानी डाल देते हो तो क्या बनता है. तो लैक्टोज हमें दो थिंग्स मिलती है, ग्लूकोज और लैक्टोज. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्लूकोज और लैक्टोज में कार्बन थर्ड पे जहाँ पे ग्लूकोज में राइट साइड होता है तो यहाँ लेफ्ट साइड हो जाता है, ठीक है. तो वहीं आपको चेंज करना होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉपर सल्फेट 5H2 इज ब्लू इन कलर व्हाइल कॉपर सल्फेट इज कलरलेस. ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास में ही आ जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले में, कि कॉपर सल्फेट का कलर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ही आयरन सल्फेट में 7 होते हैं तो उसका कलर तो ब्लू होता है स्टूडेंट्स. लेकिन अगर आप हीट कर दोगे तो पानी बाहर हो जाएगा और उसका कलर व्हाइट हो जाएगा. तो सिंपल से यही एक्सप्लेनेशन देनी थी आपको. नेक्स्ट देखिए व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशंस. तो इन्होंने बताया कि कंडक्टिविटी है किसी भी सॉल्यूशंस की, अगर आप डाइल्यूशंस कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे, जितने आयन कम होंगे तो कंडक्टेंस भी कम होगा. तो इसीलिए डाइल्यूशंस के ऊपर आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घट जाती है. तो सीधा सा आंसर बताना था नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल से है स्टूडेंट्स. तो क्या पूछा हुआ है 3% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक, कि सुक्रोज का एक 3% का सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है किसके रिस्पेक्ट में, 4% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड. और हमें बोला है कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए अननोन कंपाउंड्स का. तो सुक्रोज का गिवन मास दे रखा है जैसे 3 ग्राम और उसको डिवाइड करेंगे मतलब डिजोल्व कर रहे हैं 100 वॉल्यूम में, ठीक है. और नेक्स्ट पूछा हुआ इन्होंने 4% सॉल्यूशन है दूसरे कंपाउंड्स का, नोन का आपने मान लिया कि 4 गिवन मास 4 है और अगर 100 ml में डिजोल्व कर रहे हो तो 100 हो जाएगा उसको. वैसे अगर वेट में चेंज कर लोगे, अगर m को मान लो कि आप 4 से 40 करना चाहते हो तो वहाँ पे 1000 कर लेना. अगर दोनों आइसोटोनिक है इसका मतलब दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर सेम होता है, दोनों को इक्वल रख लीजिए तो वहाँ से जो एक अननोन है वो आपका निकल जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसमें तो सुक्रोज का आपको पता है ना गिवन मास बाय मोलर मास कर लोगे, गिवन जैसे 3 है मोलर मास 342 आ जाएगा सुक्रोज का, वहाँ से कर लोगे उसका आपको 40 देर का एम नहीं है तो दोनों इक्वल करोगे तो वहाँ से एम निकाल लेना. नेक्स्ट पूछा हुआ है स्टूडेंट्स आपसे ऐसे कहती हैं क्या पूछा हुआ है कि फॉर ए केमिकल एक रिएक्शंस दे रखी हैं आपको और उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस जेड का दे रखा आपका 0.05. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स आपका रेट रिएक्शन से केमिकल काइनेटिक्स से. तो सबसे पहले रिएक्शन का रेट लिखना आपको, रेट लिख लोगे उसके बाद उन्होंने जेड का अपीयरेंस आपको दे दिया गया है, जेड का दिया है तो आप निकाल सकते हो ∂x/∂t का. तो उस साइड चेंज करोगे तो 2 ∂z/dt उसका दे रखा है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0.1 आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्यू 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अब की बात क्वेश्चन फिर से कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर से है, बायोमोलिक्यूल्स जिसको हम बोले. तो वहाँ पे पूछा हुआ है कि ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में कोई भी 3 डिफरेंस बताइए. तो जैसे हमने देखा था स्टूडेंट्स फाइब्रस प्रोटीन में लीनियर चेन होती थी, ग्लोबुलर वाले में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती थी, क्रॉस लिंक होते थे. ऐसे ही वो पानी में घुल जाता है ग्लोबुलर तो फाइब्रस घुलता नहीं है. ऐसे ही ग्लोबुलर प्रोटीन को हम 3-डाइमेंशनल स्पेडियल शेप बना सकते हैं लेकिन वहाँ पे लॉन्ग लीनियर फ्रंट चेन होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. तो ऐसे आप अलग अलग एग्जाम्पल्स बता सकते हैं उनके थ्योरेटिकली है. नेक्स्ट रिएक्शन पूछी गई स्टूडेंट्स अगर प्रोपेन 1-ol है अल्कोहल है उसको अगर आप H2SO4 443 केल्विन पे कर दो तो क्या बनेगा. ये हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स अगर अल्कोहल को 413 पे करते हैं तो ईथर बनता है, 443 पे करते हो तो अल्कीन बनता है, पानी बाहर हो जाता है वहाँ से. तो यहाँ पे 443 है तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे अल्कीन बनने वाली है. तो स्टूडेंट्स वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है, बाद में अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो एक बार हम क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, न्यूमेरिकल्स होंगे तो बोर्ड पे करवा देंगे.
Derive the expression for 3/4 life of first order. ये तो आपका chemical kinetics है, सीधा ही आपको numerical put करना है. T half का formula लगा के फिर वहाँ से solve हो जाएगा. Next question पूछा हुआ है students आपका Roentgen's law से. Roentgen's law solution containing volatile salt की. तो Roentgen's law की definition बता देना, volatile के लिए definition. बाद में स्टूडेंट्स आपसे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, वहीं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट LTP इक्वल टू KBM से वहां से M निकाल लेना, तो वहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्टूडेंट्स रिएक्टिविटीज है, तो हमने देखा था एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, कीटोन में भी कार्बन चेन बढ़ रही है तो कम हो जाती है. फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स आपसे कि एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, तो एडिशन रिएक्शन में भी सबसे ज्यादा विड्रॉइंग वाला हो जाएगा, फिर सिंपल वाला, फिर आपके डोनेटिंग ग्रुप, फिर सिंपल एस्ट्रोफिलिन वाले. सेक्शन डी में क्वेश्चंस आपके केस स्टडी से दिए गए हैं, तो एक तो स्टूडेंट्स आपका कोऑर्डिनेशन से आया हुआ है, बहुत ही इजी है, हम शेयर कर देंगे आपको. दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपका ऑर्गेनिक से, ठीक है, SN1 रिएक्शन वाले कंसेप्ट से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो SN1 वाले कंसेप्ट से आप क्वेश्चंस कर दोगे कि कैसे इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स आपका D&F ब्लॉक से कि KMnO4 को अगर आप हीट कर रहे हो तो क्या रिएक्शंस बन रही है, क्या करोगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स के बारे में रिएक्शन. फिर एक रिएक्शन पूछी गई है कि अगर आप फेरस सल्फेट डाल दो FeSO4 तो आपको क्या बनता है, वो रिएक्शन है. एक एसिडिफाइड KMnO4 अगर KI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, वो थिंग्स है. नेक्स्ट में स्टूडेंट्स एसिडिक मीडियम में KMnO4 का क्या यूज है, तो ये रिएक्शन वाले से ही है. फिर क्वेश्चन आया हुआ आपका रनर्स इक्वेशन से, न्यूमेरिकल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले से. फिर फॉर्मल्डिहाइड को हम रोजरमेंट से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे HCOCl कंपाउंड नहीं है स्टेबल. फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ज़्यादा क्यों हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि कीटोन में जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वहाँ पे कब है. और फिर बेंजोइन में न्यूक्लियोफाइल का टेक पूछा हुआ है. फिर आपके कन्वर्जन दे रखें लास्ट में कि टोल्यून को अगर बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो पहले ऑक्सीडेशन कर दीजिए कि KMnO4 का एसिड बन जाएगा, एसिड में अनयूज कैल्शियम ऑक्साइड के हीट करोगे तो बेंजीन बन जाती है. फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बेंजाल्डिहाइड दे दिया उसको ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड, फिर से एथिनोल क्लोराइड डालोगे तो COCl बन जाएगा. एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कीटोन आपको मिथेनॉल दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, ग्रिग्नार्ड डालोगे तो वहां से अल्कोहल बन जाएगा, फिर उसको कॉपर के साथ हीट करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता है. और ऐसे ही होता है सेकेंडरी अल्कोहल में कॉपर के साथ कीटोन, टर्शियरी वाले में एल्कीन बनती है. ऐसे बंजीन की फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कर रखी है, फिर एसिड के साथ रिएक्शन है, फिर Cl2 रेड फॉस्फोरस HBZ रिएक्शन कर रखी है आपको, फिर बेस डाल रखा है आपका और सीधी से रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं दे रखा आपका, ठीक है. तो ये हमने सोल्व कर लिया है हमारा स्टूडेंट जो एग्जाम ट्यूटर है उसमें फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर. तो यहाँ पे आपके 10 मिलेंगे आपको टोटल, 5 अनसोल्ड पेपर है, 5 नहीं 10 तो अनसोल्ड है, 5 सोल्ड है, तो 15 पेपर की हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं आपको. और ये हम तभी करवाएंगे जब ज्यादा स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट होंगे, तो पहले हम इस वीडियोस के ऊपर रिस्पांस देखेंगे कितने स्टूडेंट्स का क्या कमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. ज्यादा स्टूडेंट्स की नीड रही तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं फिर हम जो दूसरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं BSc वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, सबको अच्छे से पढ़ते रहिए.